नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा होता है और किस एप्लीकेशन से दोस्तों आप बुक करेंगे तो आपका टिकट बहुत ही आसानी से बुक होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेन टिकट की बुकिंग को लेकर दोस्तों काफी ज्यादा समस्या होती है कि आखिर हम किस एप्लीकेशन से अपने ट्रेन टिकट को बुक करें। बहुत सारे लोग दोस्तों होते हैं जो बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज करके टिकट को बुक करते हैं, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग IRCTC का ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करके बुक करते हैं, तो कोई दोस्तों एग्जिगो का ऐप से बुक करते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों कन्फर्म TKT एप्लीकेशन का यूज करके टिकट को बुक करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारी ऑनलाइन जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इन सब से भी दोस्तों बहुत सारे लोग यूज करके अपने टिकट को बुक करते हैं। तो अब दोस्तों सवाल आता है कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आती है। कंडीशन ये आती है कि फास्ट के आधार पर सबसे बेस्ट कौन सा है, पेमेंट के आधार पे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप बात करता हूँ IRCTC की। तो यहाँ पे दोस्तों IRCTC का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, तो इसमें दोस्तों कोई भी बिगिनर हो, मतलब जिसको टिकट बुक करना नहीं आता हो, वह भी दोस्तों इस पे लॉग इन करके ID बना के अपने टिकट को बुक कर सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों काफी ईजी होता है। इसके बाद दोस्तों जो कन्फर्म TKT और एग्जिगो एप्लीकेशन होता है, इसमें भी दोस्तों बहुत सारे फीचर नए ऐड हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका इसमें ये चीज ऐड हो जाता है कि फ्री कैंसिलेशन ऐड हो जाता है। अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटे, आपको फुल रिफंड मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलती है। फिर दोस्तों अगर आप कंफर्म TKT की बात करते हैं तो वहां पे दोस्तों जब आपने ट्रेन को सर्च करते हैं तो वहां पे पहले से ही आपको दिखा देता है कि कहां से कहां तक की कितनी सीटें खाली हैं, जबकि दोस्तों ये IRCTC के ऑफिशियल एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन की पेमेंट मेथड को दिखा देता हूँ कि आखिर कितना कितना रुपए टिकट बुक करने में लगता है। तो मैं एक ट्रेन सर्च किया हूँ, तो मैं यहाँ पे दोस्तों अपने ट्रेन को सर्च कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने IRCTC एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद दोस्तों मैं एक ट्रेन सर्च करता हूँ जो कि दोस्तों रानी कमलापति से सूरत तक का ट्रेन है। यह इस ट्रेन का दोस्तों नाम है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस। इसमें मैं टिकट सर्च करता हूं और देखता हूं इसका फेयर कितना होता है। तो यहां पे दोस्तों जैसे ही मैं टिकट को सर्च किया तो यहां पे दोस्तों आपको यहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे 395 रुपये इसका बेस फेयर है, जो कि दोस्तों अगर इस टिकट को आप काउंटर पे लेने जाएंगे तो आपको 395 रुपये में ही टिकट मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप IRCTC से बुक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टिकट फेयर में लिखा हुआ है 395। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है ट्रेवल एंड इंश्योरेंस। ये दोस्तों अगर आप लेते हैं ट्रेवल एंड इंश्योरेंस तो 3rd AC सेकंड AC क्लास के हिसाब से जो भी पैसा होता है वो ऐड होता है, और दोस्तों अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो वहाँ पे दोस्तों 00 दिखाता है। तीसरा आता है दोस्तों कन्वीनियंस फीस। तो ये दोस्तों 17.70 रुपये यहाँ तक का है जहाँ मैंने सर्च किया है रानी कमलापति से सूरत तक का। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देख रहे होंगे टोटल अमाउंट लिखा होगा, टोटल अमाउंट दोस्तों लिखा हुआ 412.70 रुपये। अगर दोस्तों मैं इस टिकट को इस ट्रेन में बुक करते हैं तो आपको 412.70 रुपये लगेंगे, अगर दोस्तों आप IRCTC के ऑफिशियल एप्लीकेशन से बुक करते हैं तो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कंफर्म TKT पे देखता हूँ कितना रुपए बताता है। यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों मैं आपको पेमेंट मेथड ही शो करता हूँ, क्योंकि दोस्तों सर्च करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म TKT में आप पहले नंबर पे देख रहे होंगे टिकट फेयर, जो कि दोस्तों वो भी 395 रुपये लिखा हुआ है। ट्रेवल एंड इंश्योरेंस 0 रुपया। तीसरा इसमें आता है दोस्तों कन्वीनियंस फीस, जो कि दोस्तों 17.70 रुपये, ये कॉमन ही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एजेंट सर्विस चार्ज लगभग 20 रुपये कट रहा है। पेमेंट गेटवे चार्ज जो है वो 9.95 रुपये, मतलब 10 रुपये के आसपास कट रहा है। ग्रैंड टोटल जो है 443 रुपये हो गया। अगर दोस्तों आप कंफर्म TKT से टिकट को बुक करते हैं तो इसी टिकट का किराया जो है दोस्तों 443 रुपये लगेगा, जहाँ पे दोस्तों IRCTC में आपको 412 रुपये लग रहा था। अब दोस्तों मैं एक और एप्लीकेशन पे चेक करके दिखा देता हूँ, एग्जिगो एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे एग्जिगो में दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो कंफर्म TKT में था एज इट इज सेम वही है। एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये लोग अपना चार्ज नहीं लेते हैं, तो इनका जो है दोस्तों एजेंट चार्ज 00 बताता है, तो यह भी हो सकता है सस्ते में ही हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।